What's up guys, again in this video we are going to discuss simple and easy sentences as we use in our daily life. As usual, I make you practice here, so welcome again and we'll discuss again practice sessions video. हम इस practice sessions video को discuss करेंगे फिर से, इसमें हम फिर से practice करेंगे. और अगर आपने playlist को access नहीं किया है तो आप इस playlist को access कर सकते हैं. almost ये 21 days है तो 20 day जो हैं हो चुके हैं. अगर आपने इसको नहीं देखा है तो स्टार्टिंग से आप देखें. यहाँ तक आते आते आपको पता चलेगा कि यार हर एक सेंटेंस को, जितने भी सेंटेंस बोले जाते हैं, हर एक सेंटेंस की हमने प्रैक्टिस की है. एक एक बार नहीं, हमने 10-10, 20-20 सेंटेंस हर एक सेंटेंस के यूज़ किए हैं. लाइक सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, हमने हर एक तरह के सेंटेंस को इसमें देखा है और बहुत अच्छे से हमने प्रैक्टिस की है. अगर आपने नहीं की है अभी तक तो एक्सेस करना, सेव कर लें इसे, जिससे प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी और आप इसे कभी भी देख सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं. बट एक यहाँ पर डिसएडवांटेज है कि आप ऑफलाइन नहीं देख सकते, ठीक है, ये वार्निंग भी आपके लिए. तो यार बस इतना ही है, यहाँ पर हम अब स्टार्ट करते हैं हमारी फाइनल प्रैक्टिस, ठीक है. तो राम फुटबॉल खेलता है, राम प्लेज फुटबॉल. बिफोर मूव नेक्स्ट, यार आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार वीडियो. क्या होता है इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है मतलब. तो यार करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है. राम के पास 10 पेन है, रवि हैज़ 10 पेन्स, ठीक है. अब पेने हैं मतलब एक पेन नहीं है उसके पास, 10 हैं, ठीक है. तो पेन्स हो जाएगा यहाँ पर. अगर मैं फिर से बताता हूँ आपको कि एक ये अपनी प्रैक्टिस सेशन है. अगर आपको इसके आपको ग्रामर्स रूल्स की वीडियो चाहिए, जैसे कि सेंटेंस हुए, ए एंड द का यूज़ हुआ, या फिर आपको और रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस ना करें, मेरी दूसरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, ग्रामर वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस करें. वहाँ पर आपको ग्रामर रिलेटेड जो वीडियो हैं वो मिलेंगे आपको, सेंटेंस के मतलब हर एक टाइप के आपको जो भी यूज़ होते हैं डेली लाइफ में ग्रामर रूल्स, तो वो आपको वहाँ पर मिलेंगे. तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेशंस की वीडियोज़ हैं और सीरीज़ भी प्रैक्टिस सेशन की है. तो आप इसे तभी देखें जब आपके स्ट्रक्चर जो क्लियर हों, सिर्फ आपको लगता है कि मेरे सभी ग्रामर्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हैं, अब मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तभी इस प्लेलिस्ट को देखें आप. क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत डीप में नहीं बताया, लेकिन कभी कभी यहाँ पर भी मैं समझा देता हूँ आपको. अगर बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाता है सेंटेंस तो वहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ. तो यार देखते हैं, अपनी कमीज उतार दो, टेक ऑफ योर शर्ट. तो बहुत बार मैंने बताया इससे पहले भी, अपने जूते निकाल दो, टेक ऑफ योर शूज. तो यार बहुत बार बताया ये सेंटेंस, पता बहुत बार, क्योंकि डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है. ये मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं, ये मेरी बुक्स हैं, ये मेरे जूते हैं, दीज आर माई शूज. तो इस तरीके से बोल सकते हो आप, ये मेरी पेन है भाई, ये तुम्हारी पेन, दीज आर नॉट योर्स, ठीक है, ये आपकी नहीं है, ये मेरी है, दीज आर माई पेन्स, ये मेरी पेन है, ठीक है. तो आप बोल सकते हो यार इस तरीके से. बहुत बार मैंने बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया. अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं की एक्सेस, मैं फिर से बोलता हूँ कि कर लीजिए, ठीक है. ये तुम्हारा प्यार है, दिस इज़ योर लव, कि यार मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर, ये आपको प्यार है, ठीक है. और ये प्यार बहुत आगे तक जाएगा, बस सपोर्ट चाहिए आपका. ये कमीज़ फटी हुई है, दिस शर्ट इज़ टॉर्न, ठीक है. तो टॉर्न का मतलब होता है फटी हुई, ठीक है, भूल मत जाना, बहुत काम आएगा ये. योर दिस शर्ट इज़ टॉर्न, ठीक है. मेरे कोट को पहन के देखो, ट्राई माई कोट ऑन. तो अब ये देखो, यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा आपको लग रहा होगा टफ है यार, क्या जरूरत है ट्राई माई कोट भी तो बोल सकते हो, सिंपली ट्राई टू बियर माई कोट इस तरीके से बोल सकते हो. अरे पहन के तो देखो मेरा कोट कैसा लगता है, तो ट्राई टू बियर माई कोट ही बोल सकते हो यार. फालतू में पता नहीं यार, कभी कभी क्या होता है, अगर हम किसी के सामने थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी करके मतलब बोल देते ना इंग्लिश, तो उनको लगती है अरे यार बहुत एडवांस इंग्लिश है इसकी. तो वो यूज़ मत करना आप, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ पर लेस हो जाती है, अगर सामने वाले को आपकी जो बात है वो समझ में नहीं आई, ठीक है. तो यार ऐसी टिप्स मैं देता ही रहता हूँ. ट्राई माई कोट ऑन बोल सकते हो, ट्राई टू वियर माई कोट इस तरीके से ही बोल देना, जिस तरीके से आपकी अच्छा लगता है उस तरीके से बोलो आप. बट अंडरस्टेबल टू ह्यूमन बोलना यार, कुछ ही मत बोलना, ठीक है. वी हैव नॉट टू प्ले, हमें नहीं खेलना है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू प्ले इस तरीके से ही बोल सकते हो आप, ठीक है. हम रात में पढ़ते हैं, वी स्टडी एट नाइट. इन नाइट मत बोलना, ठीक है, एट नाइट, ठीक है.
हम टैक्सी कर लेंगे, वी विल हायर अ टैक्सी, वी विल हायर अ टैक्सी, हायर का मतलब होता है भाड़े पे लेना, मतलब किराए से जाना, ठीक है, वी विल हायर अ टैक्सी। मैं क्या करवाता हूँ, व्हाट डू आई गेट डन, व्हाट डू गेट आई डन, मैं क्या करवाता हूँ, व्हाट डू आई मेक डन, इस तरीके से ही बोल सकते यार। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सेंटेंस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग बोलना है, मतलब रट के बैठ जाओ, बिल्कुल ऐसा मत करना वरना धज्जियाँ उड़ जाएंगी आपकी इंग्लिश की आगे चल के, ठीक है। दो चार बार रट भी लोगे तो भूल जाओगे, एक घंटे बाद ही भूल जाओगे यार, तो रटना कभी मत सेंटेंस को, ठीक है। मैं क्या करवाता हूँ, व्हाट डू आई गेट डन, इस तरीके से बोल सकते हो। व्हाट डू आई मेक डन, मैं क्या करवाता हूँ, मेक का मतलब होता है करवाना, ठीक है। मैंने बहुत बार बताया है जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उन्होंने, अगर नहीं देखी आपने तो मैं फिर से कहता हूँ आप देख लीजिए उन्हें। यहाँ तक आते आते आपको पता चला है कि यार ये क्या है सेंटेंस, ये तो बहुत सड़े सड़े हैं यार, हर एक सेंटेंस को फ्रेम करना सीख जाओगे अगर यहाँ तक देख ली ना, फर्स्ट वीडियो टू 20 वीडियो अगर देख ली ना, बता दूंगा मैं, मतलब बता ही नहीं सकता क्या बता दूंगा मैं। व्हाट इज़ द डे टुडे, अब देखो यार, अब यहाँ पर ना मैं आपको तीन तरीके बताऊँगा कि आप कैसे बोल सकते हो। व्हाट इज़ द डे टुडे, मतलब आज कौन सा दिन है, व्हाट्स द डेट, इस तरीके से बोल सकते हो, कौन सा दिन मतलब आज, तो आप बोल सकते हो यार इट्स मंडे टुडे, इस तरीके से ही बोल सकते हो आप। इट्स 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 जो इट्स के बाद जो भी दिन का नाम है आप वो बोल सकते हो, इट्स मंडे, ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उस दिन क्या था, व्हाट वाज इट ऑन दैट डे, व्हाट वाज स्पेशल ऑन दैट डे। अब ऐसा तो नहीं है कि उस दिन क्या था, अगर कुछ स्पेशल होगा तभी तो आप बोलोगे कि उस दिन था क्या भाई ऐसा, व्हाट वाज द स्पेशल ऑन दैट डे, इस तरीके से बोल सकते हो। बट नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको स्पेशल नहीं लगाना है, ठीक है, व्हाट वाज इट ऑन दैट डे, ठीक है। क्या हुआ तुम्हें, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट हैपन टू यू, इस तरीके से बोल सकते हो। अरे तुम्हें क्या हुआ भाई, क्यों जा रहा है उधर, जाओ इधर बैठो, व्हाट्स हैपन विद यू, तो इस तरीके से बोल सकते हो। अरे तुम्हारे साथ क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुमको क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ, ऐसा ही बोल सकते हो, ठीक है। आप कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग, वेयर वर यू गोइंग, या फिर आप अगर ये देखो यार, ये है हमारे पास्ट कंटिन्यूस का, अगर हम इसे चेंज करना है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर आपको बोलना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग बोल सकते हो आप, वेयर वर यू गोइंग तो बोल ही सकते हो, या आप बोल सकते हो, हाँ यार दो ही तरीके से बोल सकते हो आप, ठीक है, दोनों यूज़ करने ना आप, मतलब एक ही यूज़ तो एक ही है लेकिन सेंटेंस अलग हो जाएंगे, उसका स्ट्रक्चर एक पास्ट में चला जाएगा, एक प्रेजेंट में, ठीक है। कौन कौन नहीं जाते, हु ऑल डोंट गो, कौन कौन नहीं जाते। अब यहाँ पर एक की बात नहीं हो रही, मैंने डजेंट गो आ जाता, ठीक है, ऐसी टिप्स बताते ही रहूँगा मैं, भले ही प्रैक्टिस जैसे वीडियो है, ग्रामर रूल्स थोड़े थोड़े देते रहूँगा, बट ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट के बाद ये और यो वो नहीं बताऊँगा, सिंगल प्लूरल, ठीक है, वो ज़्यादा डीप में नहीं बताऊँगा, वैसे तो मैं बता ही रहा हूँ। हु ऑल डोंट गो, कौन कौन नहीं जाते, किसने तुम्हें देखा था, हु हैड सीन यू, हु हैड सीन यू, ठीक है, अब सीन यू नहीं है, सीन यू है, ठीक है। तुम्हें चोट किसने पहुँचाई, हु हर्टेड यू, हु हर्टेड यू, हर्ट की सेकेंड फॉर्म आई थिंक हर्ट ही होती है, हु हर्ट यू, तुम्हें चोट किसने पहुँचाई, तुम्हें मारा किसने, व्हाट डिड यू भी बोल सकते हो, व्हाट डू यू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आप किसे प्यार करते हो, हुम डू यू लव, विद हुम, आप इस तरीके से ही बोल सकते हो, विद हु आप किससे प्यार करते हो, हुम बोल सकते हो, हुम का मतलब होता है किसके साथ, किससे, किसके साथ नहीं, विद हुम हो जाता है वो, किसके साथ का मतलब होता है विद हुम, अगर किससे बोलना है तो सिंपल लगा देना आप हुम, हुम डू यू लव, आप किससे प्यार करते हो, जस्ट टेल मी, कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। ओके, जस्ट जोकिंग, तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग, तुम खड़े क्यों हो, वाई आर यू स्टैंडिंग, वाई आर यू स्टैंडिंग, मैं सोचने क्यों दूँ, वाई डू आई लेट थिंक, मैं क्यों सोचने दूँ तुम्हें, वाई डू आई लेट यू थिंक, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हो, मैं तुम्हें क्यों सोचने दूँ, वाई डू आई लेट यू थिंक, तो इस तरीके से बोल सकते हो आप। कान खोल कर सुन लो, यू बेटर लिसन अप, ओके, कान खोल कर सुन लो, आज के बाद बाहर ना निकल जाना, तो आप बोल सकते हो इस तरीके से बोल सकते हो आप, यू बेटर लिसन अप, अच्छी तरीके से सुन लो, कान खोल कर सुन लो, बेटर लिसन अप का मतलब होता है अच्छी तरीके से कान खोल कर सुन लो, आज ही सुन लो अच्छी तरीके से, ठीक है, तो आप
ज़्यादा किसी को डांट मत देना, ठीक है? सेंटेंस से डांट भी देना तो बताना ज़रूर, फिर मैं आपको डांटूंगा कि आपने क्यों डांटा, क्योंकि यार प्राइड के साथ डांटना इट्स ऑब्वियस, ठीक है? तुम मुझे सोने देते हो, यू लेट मी स्लीप, तुम मुझे सोने देते हो? हाँ यार तुम मुझे सोने देते हो, ठीक है? नो डाउट यार तुम मुझे सोने देते हो, यू लेट मी स्लीप। और इस वीडियो को यार लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि यार मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? दो ही चीज़ों से मिलता है, या तो व्यू ज़्यादा आ रहे हो, और व्यू ज़्यादा कब आते हैं? जब लोग लाइक्स करते हैं, क्योंकि यार लाइक्स नहीं करते तो फिर वीडियो क्या होती है, ज़्यादा उस पर व्यू नहीं आते अगर लाइक नहीं मिला और पूरा टाइम गुजार दिया अगर एक बंदे ने वीडियो में और लाइक करके नहीं गया तो फिर उससे व्यू कम आने लगते हैं यार। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।